सो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एसबीआई पीओ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2021 का एसबीआई पीओ का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये जो है आपका एसबीआई पीओ के एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का नंबर सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नंबर हमारे पास क्या दिया है, 33 दिया है, 36 दिया, तो मैं इसको लिख देता हूँ फिर से। 33 दिया हुआ है, फिर क्या दिया है, 36 दिया हुआ, फिर क्या दिया है, 44 दिया है, फिर क्या दिया है, 59 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा उसका नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, और उसके बाद पूछा गया है 118, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस नंबर्स को देख करके, ये फास्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, स्लो इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्या पता चल रहा है हमें, ये क्या हो रहा है बताइए, स्लो इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई चीज स्लो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं या एडिशन करके देखते हैं कि कितना एडिशन हो रहा है। जो देखते हैं क्या हो रहा है, 33 से 36 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। चलिए फिर अगर हम देखेंगे 36 से लेकर के 44 तक, तो हम देख रहे हैं 36 से 44 कैसे होगा भाई, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का क्या हो रहा है, 8 हो रहा है ना, 36 का 44 है, इसका मतलब प्लस का 8 हो रहा है। अगर हम 44 से 59 देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 9 में 4 गया कितना हुआ, 5, और 5 में 4 गया कितना आया, 15। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए इजीली रहेगी हमारी बात है। फिर 15, उसके बाद हमारे अगला डिजिट क्या आएगा, तो देखिए 3, 8, 15 में क्या एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, वो ये दिख रहा है कि अगर आप बोलिएगा तो बोलिएगा सर ये जो है 2² - 1 है, बोलो हाँ या ना। फिर से अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, 3² - 1। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्या आएगा, 4² - 1। यानी जो डिफरेंस आ रहा है ये 2 से 3 हो गया, फिर 3 से क्या आया 4 हुआ, तो अगला क्या आएगा, 5² - 1। 5² - 1 का मतलब क्या होता है, कितना का एडिशन होना चाहिए बताइए जल्दी से, प्लस का 24 का एडिशन होना चाहिए, किसका होना चाहिए, प्लस का 24 का एडिशन, यानी 24 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 24 का एडिशन करूंगा, कितना का एडिशन करूंगा, 24 का एडिशन करूंगा, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 3, कैरी 1, 5 + 2 7, 7 + 1 83, तो 83 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए थोड़ा और हम देख लेते हैं, 5² - 1 था ये, तो अगला डिजिट क्या आएगा, 6² - 1। तो अगर हम 6² - 1 करेंगे तो कितना आना चाहिए, एडिशन कितना होना चाहिए, 6² = 36 होता है, 36 में घटाएं कितना आएगा, प्लस का 35। तो जरा देखिएगा, अगर मैं 83 में 35 को ऐड करता हूँ, कितना ऐड करता हूँ, 35 को, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। तो हमारा जो सीक्वेंस है बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 83। चलिए नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, जो लोग भी नोट डाउन कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। सो दिस इज प्रोफेसर रवि हियर, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन दिया है हमारे पास 162, मैं लिख देता हूं अलग से, 162, 125, 94, 65, आपसे पूछा इस नंबर पे क्या आएगा, और उसके बाद क्या दिया है, 23। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर भी हमें क्या दिख रहा है, स्लो डिक्रीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्लो डिक्रीज, है ना। तो चलिए हम इसका डिफरेंस निकालते हैं क्या होता है, अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 162 में 125 घटाते हैं तो 12 में 5 किया कितना आ गया, 7 आ गया, बचा यहाँ पे कितना, 14 बचा, हाँ या ना, 12 में 5 आ जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे कितना बचा, 15 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 37, यानी वैल्यू क्या हो गया, -37। चलिए अगला डिजिट देखते हैं हम लोग, अगला डिजिट देखेंगे तो 5 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, एकदम बच्चे की तरह बता रहा हूँ मैं, 12 में 9 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा,
तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 31। यस और जैसे कि हम देख रहे हैं 37 एक प्राइम नंबर है, तो शायद हो सकता है कि अगला प्राइम नंबर ही आए, 31 भी प्राइम नंबर ही दिख रहा है। तो 31 के बाद फिर से डिफरेंस निकालते हैं, 14 में 5 जाएगा कितना आएगा 9, और यहाँ बचेगा कितना 8, 8 में 6 जाएगा तो क्या आएगा 2। एक बार तो कंफर्म है कि हमारा जो है कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर सीरीज चल रहा है। तो 37 के बाद प्राइम नंबर 31 आया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 29 आया, तो अगला प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, तो आप सब लोग को पता होगा अगला प्राइम नंबर कितना आएगा माइनस 23। माइनस 23 घटाएंगे तो 5 में 3 जाएगा, है ना, 65 में मुझे कितना घटाना होगा 23 को घटाएंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, और 6 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 4, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 42। फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए नेक्स्ट स्टेप को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 23 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर क्या होता है बताइए, माइनस का मतलब 19 होगा। तो देखिए 12 में 9 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और 4 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 12 में मतलब 3 में 2 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। आई होप सब लोगों को प्राइम नंबर सीरीज पता होगा, बट फिर भी जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट है मैं लिख देता हूँ उनके लिए, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो मैं प्राइम नंबर सीरीज आपको लिख देता हूँ। प्राइम नंबर्स 2 है, 3 है, 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या आता है 11 आता है, फिर कौन सा आता है 13 आता है, फिर क्या आता है 17 आता है, फिर कितना आता है 19 आता है, फिर कितना आता है 23 आता है, फिर कितना आता है 29 आता है, फिर कितना आता है 31 आता है, फिर कितना आता है 37 आता है, फिर क्या आता है 41 आता है, फिर प्राइम नंबर अगला कौन सा है 43, फिर कौन सा है 47, फिर उसके बाद 47 के बाद कौन सा आता है बताइए 53, है ना, 48, 49, 50, 51, 52 नहीं होता है, प्राइम नंबर क्या आ गया 53 आ गया। यस और फिर प्राइम नंबर कौन सा आएगा नेक्स्ट 59, इसी तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा डिक्रीजिंग प्राइम नंबर का सीरीज था, ये कौन सा था डिक्रीजिंग प्राइम नंबर सीरीज, क्या था बताइए जरा, डिक्रीजिंग प्राइम नंबर सीरीज। आई होप सब लोगों को समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, है ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन दिया हुआ, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया है 2 लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है 15 लिखा है, फिर क्या लिखा है 64 लिखा हुआ है, फिर कितना लिखा है 195, फिर क्या वैल्यू लिखा है नहीं पूछा गया है, फिर क्या है 393। जरा मुझे बताइए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ 15 है यहाँ 64, यानी कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये कितना है मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 5, ऐसा ही कुछ हो रहा है शायद, देखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे (5 + 5)। 2 × 5 कितना होता है 10 होता है, प्लस 5 करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा सीरीज है (4 + 4)। 15 × 4 कितना होता है 60, 60 में 4 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 64, यानी 5 से 4 हुआ, यानी डिक्रीजिंग सीरीज है ना। नेक्स्ट क्या है, मतलब जो नंबर्स है वो क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। 5 से 4 हुआ तो क्या आना चाहिए अब 3 होना चाहिए, यानी (3 + 3)। देख भी रहे हो 4 × 3 = 12, 12 + 3 = 15, यूनिट डिजिट 5, यानी 64 का 3 टाइम्स कितना होता है 192, 192 में 3 जोड़ेंगे कितना है 195। चलिए अगला नंबर जो होना चाहिए (5 + 5)(4 + 4)(3 + 3), तो अगला डिजिट क्या आएगा (2 + 2)। करते हैं हम लोग, चलिए तो 195 का डबल कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 390 होता है, कितना होता है 390, और 390 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 392, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।
अब आगे चेक करना है तो क्या आएगा, इंटू वन प्लस वन, 392 इंटू वन कितना हो गया 393, राइट, इंटू वन 392 प्लस वन 393, इसका मतलब 392 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जो लोग भी जुड़ रहे हैं, प्रेस बेल आइकन जरूर दबा लीजिए चैनल को, और लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम लोग एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, और पॉज करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 322, क्या दिया है 322, आपसे पूछा अगला डिजिट क्या नंबर आएगा, फिर लिखा हुआ है क्या 82, फिर क्या दिया है 42, फिर क्या दिया है 22, फिर डिजिट क्या दिया है 12। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टार्टिंग नंबर को आप ना लें, पीछे से अगर आप चेक करेंगे ना तो काम आसान हो जाएगा। बताता हूँ कैसे, 12 को 22 कैसे बनाया जा सकता है। तो आप बोलेंगे सर इंटू 2 प्लस 2 कर दो, आप इंटू 2 माइनस 2 कर दो, 12 इंटू 2 कितना होता है 24 माइनस 2 इज 22। अब 42 कैसे बनाया जा सकता है, पीछे से चलते हैं, है ना, इंटू 2 माइनस 2, देखो 22 का डबल कितना होगा 44 माइनस 2 इज 42। अब चलते हैं फिर से पीछे चलते हैं, 42 का डबल कीजिए कितना आएगा 84 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 82 आएगा, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आना चाहिए, 82 इंटू 2 माइनस 2, 82 का डबल कितना आएगा 164 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 162 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। आगे भी चेक कर लो, फॉर्मेलिटी है वैसे तो, इंटू 2 माइनस 2 तो 162 का डबल कितना होगा 324, और 324 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 322, तो 162 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सब लोगों को क्लियर है, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 8 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 13 लिखा हुआ है, फिर 53 लिखा है ना, फिर से नेक्स्ट डिजिट क्या दिया हुआ है हमारा 53 दिया हुआ है, और अगला डिजिट आपसे पूछा गया है, बहुत सिंपल है। देखिए 8 को 5 कैसे बनाया जा रहा है, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कुछ बच्चों को, बट वैसे तो आसान है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है, 5 को 6 कैसे बनाया जा सकता है। तो आप बोलोगे 5 को 6 बनाया जा सकता है इंटू 1 प्लस 1 करने से, बोलो हाँ या ना। 6 को 13 कैसे बनाया जा सकता है, तो आप बोलो सर इंटू 2 प्लस 1 करने से। अब बताइए यहाँ पे 13 को 53 कैसे बनाया जा सकता है, इंटू 4 प्लस 1। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, 1 का किया गया डबल, 2 का डबल किया गया, तो 4 का फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल, 1 का डबल किए तो 2 बन गया, 2 का डबल किए तो 4 बन गया, 4 का डबल करेंगे तो कितना गया 8, यानी इसका मतलब अगला डिजिट जो आएगा इंटू 8 प्लस 1 होना चाहिए। अब इंटू 8 प्लस 1 होना चाहिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं, 8 को 5 कैसे बनाया गया है। 8 को 5 बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, 8 को 1 का मतलब 1 का आधा कितना होता है 0.5, तो हम क्या बोलेंगे 8 इंटू 0.5 प्लस 1, तो 8 इंटू 0.5 कितना हो गया 4 प्लस 1। अब देखो ना 0.5 का डबल क्या होता है 1 होता है, बोलो हाँ। इसी तरह से 4 का डबल 8 हो गया 8 प्लस 1। अब देखो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 8 3 जा कितना 24, 8 3 जा कितना होगा 8 3 जा कितना होगा 24, तो 24 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, यानी यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी इसका आंसर 425। फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है तो कर लो, 8 3 जा कितना 24 का 4 कैरी 3
है ना, सॉरी 8 3 24 कैरी 2, 8 5 40 प्लस 2 इज 42, प्लस कितना करना है 1, तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आएगा 425, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो SBI PO 2021 का जो नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो जो लोगों का भी पेपर है 19th को SBI PO का, उन लोग सारे ये क्वेश्चंस देखकर जाइए और इस पैटर्न पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, वेलकम टू द चैनल एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द अदर स्टूडेंट्स। वी विल गो विद द नेक्स्ट पार्ट विद द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए।